think he's a damn good filmmaker. He's a very bright filmmaker. And I've heard stories which you guys haven't heard. And they are outstanding scripts. Some of the finest, craziest, innovative cinema that has come out of this man's head. So he's good. So yeah, I enjoyed the film. I liked the twist. I liked the turn. Some good acting. It was nice. It takes you like a breeze and then hits you hard. मुझे एक्चुअली जो एंड था फिल्म का क्लाइमैक्स वो मैं गेस नहीं कर पाया. मेरे दिमाग में दो चार अजीब अजीब चीज़ें आई थी बट मैं ये गेस नहीं कर पाया. देयर वाज अ गुड शॉकर, अ वेरी डिफरेंट एंड एंड इट्स अमेजिंग. इट डजंट लीड देयर. वेरी नाइसली स्क्रिप्टेड. आई मीन समीर, आई नो हिम वेरी वेल. ही इज़ अ ब्राइट फिल्म मेकर एंड ऑब्वियसली द फिल्म हैज वॉन सो मेनी अवार्ड्स बाउंड टू बिकॉज व्हेन यू कम आउट यू रियलाइज ओह गॉड आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट. यू नो जब फिल्म प्रिडिक्टेबल हो जाती ना तो मज़ा नहीं आता. और जब आप सोचते हैं कुछ और डायरेक्टर कुछ और दिखाता है तब लगता है बढ़िया है. मुझे बहुत मज़ा आया. इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म एंड वेरी वेल शॉट. समीर इज अ गुड डायरेक्टर. आई हैव वर्क्ड विद हिम क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. तो मुझे बड़ा मज़ा आया. बहुत ही अच्छा लगा. 30 मिनट्स की एक शॉर्ट फिल्म है एंड समीर इज डायरेक्टेड इट. सो इट लुक्स वेरी नाइस. द एंटायर थिंग सम्स अप टू द लास्ट कपल ऑफ सेकेंड्स जहाँ पे पूरी स्टोरी भी रिवील होती है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसमें. बहुत ही अच्छे ऐसा लग रहा था कि बस अभी फिल्म शुरू हुई है, अभी थोड़ा टाइम और निकलता जाए. बट ऑफकोर्स इट हैड टू बी डन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो दैट वॉज वेरी नाइस एंड आई थिंक एवरीबडी डिड अ ग्रेट जॉब पुटिंग इट टुगेदर. एवरीबडी हु हैज बीन इन्वॉल्व्ड इज एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर एज वेल. सो आई थिंक इट जस्ट केम आउट वेरी नेचुरली डूइंग वॉट दे डिड एंड सो इट वॉज नाइस. इट नाइस टू वॉच देम एंड मिस्टर पॉल इज अ डियर फ्रेंड. सो दैट्स व्हाई वी वर हियर एंड आई वुड लाइक टू विश देम ऑल द बेस्ट. अच्छी लगी. आई थिंक 13 मिनट्स इज टू शॉर्ट एंड टाइम टू यू नो नरेट सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑन ह्यूमन रिलेशंस एंड द डायरेक्टर इज डन अ फैबुलस जॉब. अनूप ऑफ कोर्स इज माय फेवरेट एंड सो इज संध्या एंड स्वाति एंड राजीव. आई थिंक दे हैव डन अ फैब जॉब. विशिंग द टीम लोड्स ऑफ लक एंड या अगेन आई लाइक टू से 13 मिनट्स में इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी पूरी बताना. I like it a lot. I think short film is the future because in our fast-paced lives, people don't really have the time and people want to do everything fast. So, सबसे पहले हमारा reaction जब हमें पता चला 13 minutes की movie है, we were like, yay, you know. But honestly, 13 minutes में एक movie बनाना, शुरू से end तक उसको एक कहानी देना, सही characters के emotions बाहर निकालना is a tough job. And Sameer has done a beautiful job and Rajiv is our friend and that's why we are here today. So Sandhya Mridul was amazing. So we enjoyed the movie. It was a treat. As I told Sameer that he had offered me a role in the short film, and right now I'm kicking myself that I didn't do it. I couldn't do it. It's a wonderful film and very beautifully done, very very cleanly executed and very smooth. So really loved it. Thank you. Fantastic film. Actually, the whole idea of any short film is ke आपको इंगेजिंग लगे और एक ट्विस्ट हो एंड में, और ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करती है. एंड आई ऑल्सो थिंक इट्स शॉट वेरी वेल बिकॉज नॉर्मली द क्वालिटी ऑफ शॉर्ट फिल्म्स इज नॉट, आई मीन इट्स फंटास्टिक मोस्ट ऑफ देम बट सम ऑफ देम जस्ट लैक. एंड आई थिंक समीर बीइंग एन एड फिल्म मेकर जस्ट एड्स दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ स्टफ इन ऑल द फ्रेमिंग, मेकिंग लुक रियली रिच एंड वर्किंग ऑन द स्मॉल स्मॉल न्यूआंसेस. वो बड़ा सा मुश्किल है. और मुझे अनूप जी का कैरेक्टर बहुत बढ़िया लगा यार. आई मीन द गाय हु सॉर्ट ऑफ you know is the one who is really trying to please his boss and it comes across right in the end. And of course all the other actors have done well. Rajiv is a friend but he's looking like hot on the screen. I normally don't say that about any man but he's looking really hot on the screen. Sandhya ji of course fantastic work and the other girl also fantastic work. So really enjoyed the movie. I think everyone should catch it and have a look at it. It's really nice. Ma'am boliye kaisa laga. Mujhe aisa laga ki laga hi nahi ki 13 minute ki film hai. बहुत इंटरेस्टिंग इमोशन इतने शॉर्ट टाइम में कि आई थिंक बहुत मज़ा आया. बहुत अच्छी लगी. दिल को चीर गई यार. मतलब जो लास्ट में जो इफेक्ट रहता है ना, मतलब जो 130 मिनट में नहीं बोल पाते हैं वो 13 मिनट में बोल गई फिल्म. और बहुत ही अच्छा, मतलब एक्टिंग, डायरेक्शन, म्यूज़िक, इफेक्टिव जो बोलते हैं, मज़ा आया. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. मतलब एक शॉर्ट फिल्म में क्या, हमेशा मुझे हमेशा उम्मीद रहती है कि ये कोई सरप्राइज़ देगी एक पॉइंट पे. हमेशा एक छोटा है ना,
फिल्म टेस्ट मैच है तो ये T20 है, तो ये T20 वाला जो एक जो रोमांच होता है, एक जो एंड में मजा होता है, वो था। तो वाकई बहुत अच्छा है, बहुत कहानी पे मैं नहीं ज़्यादा बोल रहा, मतलब नहीं ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म अरे क्यों खत्म हो गई, तो वो एक एक्साइटमेंट और बहुत खूबसूरत फिल्म। और उसमें एक ये भी होता है ना कि जैसे ये अभी ये फिल्म खत्म हुई है लेकिन इसकी कहानी आगे चल सकती है, दैट इज अनदर फिल्म, है ना। और अगर इसके पीछे का भी देखें तो एक कोई और फिल्म है उसमें भी छिपी हुई, तो स्लाइस ऑफ लाइफ और वो बीच का जो हिस्सा है, तो बहुत मज़ेदार रहा, परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं सब लोगों की, और एवरीबॉडी परफॉर्म वेरी वेल, राइटिंग डायरेक्शन एवरीथिंग आई थिंक बैंग ऑन, बहुत अच्छी लगी। और जब ऐसे एक्टर्स हों, संध्या जी जैसे, अनूप सर जैसे और राजीव जैसे, आई थिंक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है और बहुत अच्छे से शूट किया। आई वुड से दैट बहुत डिफ़िकल्ट होता है शॉर्ट फिल्म में 7 मिनट की 5 मिनट की अपनी कहानी कह देना और लोगों को समझ में आना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वेरी नाइसली शॉर्ट एंड वेरी नाइसली मेड, रियली लाइक्ड इट। हाँ सेम है, मतलब ऐसा शॉर्ट फिल्म और बननी चाहिए, इट्स लाइक क्विक वन एंड यू कैन लाइक हैव द जिस्ट ऑफ इट। हाँ इट वॉज स्वीट, इट वॉज शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड इंटरेस्टिंग था, ऑल्दोस 13-14 मिनट फिल्म, बट कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि फिल्म ड्रैग कर रही थी। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रेम आई वॉज क्वाइट क्यूरियस एग्जैक्टली कहाँ जा रही है फिल्म, एंड गुड टू सी सम वेरी गुड एक्टर्स ऑन स्क्रीन टुगेदर। माई वेरी गुड फ्रेंड राजीव इज हियर, सो ग्लैड टू सी हिम ऑन स्क्रीन, एंड I saw Sandhya Mridul after a very long time and she's one of my favorites, so she was fab, and also Anoop and the supporting cast were fab. So well made, executed film, and I believe I've been told that there could be few more films on the same theme coming up from the director, so I wish him all the best. बहुत बढ़िया, बहुत ही कमाल फिल्म बनाई है और twist and turn बहुत कमाल है, last में तो मतलब बिल्कुल game पलट जाता है जो, तो बहुत बढ़िया shoot भी हुआ है and brilliant performances by everybody, the whole cast. I'm his actual father actually. I'm sure he has not understood what is there in the movie. I loved it. It's very good. Performance wise all were very good. Excellent. Thank you. मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम कॉम्पैक्ट और कम से कम समय में इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना संवेदनशील सब्जेक्ट समीर सर ने दिखा दिया कमाल, मुझे बहुत अच्छी लगी, अमेजिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। खूब अच्छी टीम और मैं इस टीम के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। रियली एंजॉयड द फिल्म। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि राइटिंग जो है ना, देखो अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे, अगर अच्छी लिखोगे तो अच्छी बनेगी, वो बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो आइडिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्लेवर है, और वही चीज़ रंग लाई है, तो ये लेवल 13 ये लेवल और ही ऊपर होगा इसका, क्योंकि ये राइटिंग अच्छी है इसकी, बाकी सब ऑटोमेटिकली हैज फॉलन इन प्लेस, द परफॉर्मेंसेस, द कास्टिंग, द लोकेशन, द वे दे शॉट इट, वेरी वेल टोन, एंजॉयड इट। वेरी इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग फिल्म, सिर्फ 13 मिनट की है लेकिन उसमें यू गेट योर एंटायर जर्नी, क्या होता है, इंटरेस्टिंग लिटिल क्लूज रिवील्ड एंड मतलब द फुल एक्सपीरियंस, इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग, वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म्स, ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट स्क्रिप्ट, वंडरफुल, जरूर देखिए। हम तो अपने दोस्त को देखने आए थे राजीव पॉल को, लेकिन ज़्यादा हम लोग ना ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं, कई कितने शॉर्ट फिल्म देखने जाते हैं सब उतना मज़ा भी नहीं आता है, लेकिन इसको तो मतलब जैसे ओपन हुआ फिल्म तभी हमें लगा ना कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अलग, और कुछ अलग लेवल पे ये कुछ करने वाले हैं, ये नहीं पता था कि लेवल 13 तक जाएंगे, मतलब इतने ऊपर लेवल तक इन्होंने ये बनाई फिल्म, बहुत मजा आया सीरियसली, ये काफी एंटरटेनिंग है, ऐसा लग रहा था कि हम एक्चुअली एक फीचर फिल्म देख रहे हैं, शॉर्ट फिल्म, और ये फिल्म है, यू डोंट वांट इट टू एंड, खत्म हो गई उसे, अरे यार और चली क्यों नहीं, इट वाज दैट व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, यू शुड वांट मोर एट द एंड ऑफ अ फिल्म।